हेलो एंड वेलकम गाइज ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज क्या हाल चाल, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज मैं बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का बोर्ड सर्वाइवल सीरीज के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में। वैसे तो गाइज आपको पता ही लग गया होगा कि आज इस वाले एपिसोड में मैं क्या करने वाला हूँ, फिर भी गाइज आपको ना एक बार फिर से बता देता हूँ कि आज मैं एक्सप्लोर करूंगा इस वाले एपिसोड में एक लस केव को। मैंने अपने इस वर्ल्ड में काफी कुछ फाइंड किया है और गाइज काफी कुछ स्ट्रक्चर बायोम वगैरह को एक्सप्लोर किया है। अभी गाइज आज लस केव की बारी है तो आज लस केव में भी चलते हैं। और गाइज लस केव में जाने के लिए वैसे तो मुझे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, लेकिन उधर ना अंधेरा होगा इसलिए मैंने थोड़े बहुत नाइट विजन के पोशन ले लिए। और लस केव के अंदर जाने का हमारा सिर्फ एक ही मेन मोटिव होता है, वो है एक्सोलोटल कलेक्ट करना। इसलिए गाइज मैंने उधर से कम तीन चार, मतलब जितने भी मुझको एक्सोलोटल मिलेंगी ना उनको पकड़ कर लाऊंगा। अभी ना गाइज मैं सोच रहा हूँ एक एक्सोलोटल फार्म बना लूँ और उन एक्सोलोटल्स को ब्रीड कराने के लिए मुझको काफ़ी सारी जो ट्रॉपिकल फिश भी चाहिए वो भी गाइज हमको लस केव के अंदर ही मिल जाएंगी। लेकिन गाइज ये दोनों चीज़ें ना एक्सोलोटल और ट्रॉपिकल फिश, इनको ना गाइज मैं बाल्टी में भर के लाऊंगा। तो मैंने अपने साथ ना काफी सारी बाल्टी ले ली हैं, बाकी तो मुझको और कुछ भी नहीं चाहिए। अभी चलते हैं अपनी लस केव के अंदर। और गाइज मैंने ना पता लगाया था अपने इस वर्ल्ड की जो सबसे नजदीक वाली लस केव है ना वो गाइज हमारी जो प्लेजर आउट पोस्ट है ना जिसके ऊपर हमने रेड फार्म बनाया था उसके आसपास ही, मतलब उसके पास में ही हम उधर ही चलते हैं। चलो अपना रेड फार्म तो है इधर। मैं सोच रहा था कि ये रेड फार्म इधर से कहीं भाग ना जाए, मैं इसको छोड़कर चला गया था ना, कहीं ये रूस कर गई जिधर से भाग जाए, तो मैं इसीलिए सोच रहा था कि यहाँ से भाग ना जाए। अभी गाइज अपना जो प्लेजर आउट पोस्ट तो आ चुका है इसी के पास, अभी मैं चलता हूँ लस केव के पास, मतलब यही होगी कहीं आसपास। दो तीन सल्कर बॉक्स भी ले लेता हूँ लस केव के अंदर, जो फूल पत्तियां वगैरह और एक्सोलोटल ट्रॉपिकल फिश वगैरह मिलेंगी ना उनको कलेक्ट करके ले आऊंगा। कम से कम गाइज दो तीन जो है ना मुझे सल्कर बॉक्स तो भर कर लानी है उसके ट्रॉपिकल फिश के एक्सोलोटल को ब्रीड कराने के लिए, क्योंकि गाइज मुझे ना वो वाली एक्सोलोटल स्पॉन करानी है जो सबसे ज्यादा रेयर होती है, वो रेयर ब्लू वाली एक्सोलोटल, वो इतनी ज्यादा रेयर होती है कि गाइज उसको ना स्पॉन कराते कराते हम बूढ़े हो जाएंगे लेकिन वो स्पॉन नहीं होगी। चलो यार मैं अभी इधर तो आ चुका हूँ और मैं इस तोते से लस केव का एड्रेस पूछ रहा था, इसने बताया नहीं इसलिए मैंने इसके शकल पर एक रेपटा जड़ दिया। अभी गाइज लस केव को मुझे खुद ही फाइंड करना पड़ेगा। इधर ना गाइज वो लस केव का जो ऊपर वाला ट्री होता है ना अजेलिया वाला जिसके अंदर से वो फूल वाली पत्तियां लगती हैं वो मिल जाता तो अच्छा होता। खैर अभी तो मैं ऐसे ही रेंडमली कहीं पर भी खोद लेता हूँ, अगर नीचे लस केव हुई तो ठीक है, वरना गाइज हमको ना फिर वो पेड़ ही ढूंढना पड़ेगा जिसके नीचे लस केव होती है। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ना गलत ही खोद रहा हूँ, नीचे यहाँ पर मुझे शायद लस केव मुश्किल ही मिलेगी क्योंकि अभी ना मैं माइनस के कोऑर्डिनेट्स पर भी आ गया हूँ। लेकिन गई जिधर हो गई जिधर लस केव है, देखो यार इधर ना ये जो घास वासी हुई है मॉस वाली ब्लॉक की, मतलब इधर लस केव तो जरूर है। सबसे पहले बत्ती जलाता हूँ। चलो भैया लस केव तो मिल गई, ये तो काफी अच्छा हुआ। अभी मुझे ना इस लस केव के अंदर से कुछ नहीं लेना, बस मुझे ना कहीं पर भी एक्सोलोटल और वो ट्रॉपिकल फिश मिल जाए उनको कलेक्ट कर मैं इधर से निकलता बनूंगा, बाकी तो मुझे लस केव के अंदर से मिलेगा भी क्या। गई जी ये किले यार इधर ऊपर की तरफ लगी हुई है, यानी कि अपनी जो लस केव है ना जिसके अंदर पानी वगैरह भरा होता है जिसके अंदर एक्सोलोटल स्पॉन होंगी वो ऊपर की तरफ है। मुझे लगता है मैं ना कुछ ज्यादा ही नीचे आ गया, मुझे वैसे लग भी रहा था इधर ये ना ये डिश प्लेट के अंदर है ना, डिश प्लेट के अंदर है लस केव, तो मैं ना कुछ ज्यादा ही नीचे हूँ, मुझे ऊपर जाना पड़ेगा भैया इधर से, वरना मैं तो इधर डोल डोल कर पागल हो जाऊंगा। इधर गई एक्सोलोटल तो मिलेगी नहीं तो मैं इधर से ना ऊपर ही निकल लेता हूँ। इधर मुझे किसी ने पकड़ वकड़ के छेद दिया तो वैसे मेरा तो बन जाएगा इधर ही एक्सोलोटल फार्म। हाँ अब मुझे लगता है कि अब आया हूँ मैं लस केव के अंदर। अब मुझे ना वो किले वाले वाटर के पूल से मिल जाएं जिनके अंदर वो एक्सोलोटल स्पॉन होती हैं तो मैं उनको कलेक्ट कर लूँ। लेकिन सामने इधर गई रेल भी छी पड़ी है इधर, ओ गई इधर ना एक माइनशाफ्ट भी है यार, खोदा पहाड़ निकली माइनशाफ्ट, ई बात है भैया ये तो गई मौज वाली बात है। मतलब आए थे लस केव फाइंड करने, मिल गई माइनशाफ्ट। वैसे माइनशाफ्ट के अंदर से हमको क्या मिल सकता है, कुछ भी नहीं। मैंने एक माइनशाफ्ट ऑलरेडी एक्सप्लोर की थी, उसके अंदर से घंटा भी कुछ नहीं मिला हमको। चलो फिर भी एक बार देख लेता हूँ इस वाली माइनशाफ्ट के अंदर से क्या लूचे मिलते हैं हमको, कुछ यार काम की चीज मिल जाए तो मजा आ जाए। जैसे कि इंजेंटेड गोल्डन एप्पल हो गया, नेदेराइट के ब्लॉक मिल जाए, या गई डायमंड मिल जाए 2-3 हज़ार। इधर गई एक माइन कार्ड विद चेस्ट तो है इसके अंदर से। अरे यार मुझे फिर से लगा कि ये इंजेंटेड एप्पल है, पता नहीं ये गई जिस वाले एप्पल को क्यों रखे रखते हैं इसके अंदर से, हमको ना बिना फालतू का लालच देते हैं इनकी तो ऐसी की तैसी। मुझे ना एकदम से इस गोल्डन एप्पल को देख कर लगा था जैसे इंजेंटेड एप्पल हो, लेकिन फिर ना जज्बातों का ना पानी हो गया पूरा, अपनी ना फीलिंग्स पर पानी पानी हो गया। और पानी से याद आया मुझे तो वो लस केव के वाटर वाले पूल फाइंड करने थे। गई जिधर सामने वाटर तो है, अरे यार ये ना किसी ने वैसे ही फेंक रखा है, मुझे लगा इधर वाटर पूल है। वैसे यार इधर किले तो बिछी हुई है माइनशाफ्ट के अंदर, ये पता नहीं क्या फजीता बना रखा है इन्होंने, माइनशाफ्ट भी इधर है लस केव भी इधर है, दोनों को आपस में मिला रखा है।
इनकी ये कोई डायमंड माइनक्राफ्ट के अंदर डायमंड भी मिल जाते हैं हमको। अरे वाह यार, मतलब डायमंड की मुझे ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन यार डायमंड चीज़ तो है बहुत कैडी, तो डायमंड को तो लेना बनता ही है, वरना और हम लेंगे भी क्या अगर डायमंड भी हमने छोड़ दिए तो। डायमंड के अंदर तो जान बसती है अपनी, और अपनी मोहब्बत है इंचेंटेड एप्पल, लेकिन आपको पता है बॉट के नसीब में मोहब्बत नहीं है, तो इसलिए बॉट को इंचेंटेड एप्पल मिलते नहीं है। वैसे ये चिलगोजा इधर क्या कर रहा था, हरी हरी लस्केव के अंदर हरा हरा क्रीपर, ये तो गई वही वाली बात हो गई कि पता नहीं कौन सी वाली बात हो गई, पता तो थी लेकिन मैं भूल गया, बाद में बताऊंगा। फिलहाल तो आप एक जादू देखो, बंद हो जा सिम सिम। देखा गई कैसे ही मेरे जादू मंत्र मारने से एकदम रास्ता बंद हो गया ग्रेवल से। यही होती है गई बॉट की शक्तियाँ, बॉट के अंदर शक्तियाँ बहुत है। मैं ना मिट्टी से खेत बना देता हूँ। वैसे गई जब भी ना मुझे लगता है कि मैं ना इस माइनक्राफ्ट के अंदर ना गलत ही आ गया, इधर कुछ मिलने का तो है नहीं यार। मैं लस्केव के अंदर रहता तो अब तक एक्सोलोटल भी पकड़ लेता, अभी ना इधर से चलता ही हूँ, लेकिन यार जाऊँ तो जाऊँ का, ये चारों तरफ तो माइनक्राफ्ट फैली हुई है और मुझे पता भी नहीं है अभी इसका। ऐसी लस्केव मैंने पहली बार देखी है। देखो यार माइनक्राफ्ट और लस्केव को ना एक साथ मिला रखा है, माइनक्राफ्ट प्लस लस्केव बराबर ये खिचड़ी। हाँ खिचड़ी पका दी यार इसकी, देखो अपना खुद ही देख लो। अभी ना इसको माइनक्राफ्ट कहीं या लस्केव कहीं पता ही नहीं चल रहा यार, ये लस्केव है या माइनक्राफ्ट है यार। ये तो डायमंड, हाय मेरी जान, डायमंड मेरे इंतजार में कब से पड़े थे बेचारे। इनको ना इधर से ले चलता हूँ, इनको आजाद कर देता हूँ, वरना ये इधर ही पड़े रहेंगे मेरे अलावा, और डायमंड का है भी कौन। वैसे यार डायमंड्स की ना मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी इतने डायमंड्स हैं कि मैं उनका कुछ करता भी नहीं हूँ। फिर भी यार डायमंड्स देखकर ना लालच आ ही जाता है, पता नहीं क्यों यार ये चीज़ इतनी कैडी है। डायमंड माइनक्राफ्ट के अंदर ना दो ही कैडी चीज़ है, एक तो हो गया बॉट, दूसरी हो गई डायमंड। हाँ एलेक्स भी है, लेकिन एलेक्स कैडी चीज़ नहीं है, वो तो बवाल चीज़ है, एकदम तबाही ढा देती है एकदम छोरी एलेक्स। एलेक्स ना माइनक्राफ्ट ने एकदम बवाल चीज़ बनाई है। और हाँ गाइज मैं ना ये बोल रहा था कि मुझको ना एक्सोलोटल चाहिए, एक्सोलोटल होती है वाटर के अंदर स्पॉन, तो यार वो तो इधर भी स्पॉन हो सकते हैं इस माइनक्राफ्ट वाले पानी में। लेकिन यार ये तार किसने हिला दिया यार, बत्ती चली गई फिर से। ये कौन बदतमीज आदमी है जो डेली का डेली खंबे पे चढ़ा रहता है और हमारे तार हिला देता है यार, लाइट भाग जाती है हमारी ऐसे। इसका भी किसी दिन जुगाड़ करना पड़ेगा किसी दिन ना। फिलहाल तो मैं अभी देख लेता हूँ इधर ना यार, ये ट्रॉपिकल फिश स्पॉन हो चुके हैं, इनको ना अभी बाल्टी में भर लेता हूँ गाइज। ऐसे ही इधर ना अभी एक्सोलोटल भी स्पॉन हो जाएंगे, बस मुझको ना इस पानी के आसपास एएफके रहना है। और मुझे ना लगा ही था कि सामने कोई केव स्पाइडर का स्पॉनर होगा, क्योंकि ये वाली जो स्पाइडर है ये केव स्पाइडर है। और गाइज आज वाले इस वाले स्पॉनर को ना मैं तोड़ूंगा नहीं बिल्कुल, ये जो केव स्पाइडर आ रही है ना इनको गाइज ना इधर ही रहने देता हूँ, शायद फ्यूचर में गाइज वैसे मुझे जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी कभी मुझे केव स्पाइडर स्पॉनर का फार्म बनाना पड़े तो इसी से बना दूंगा, अपने बेस से ज्यादा दूर भी नहीं है वैसे ये वाला स्पॉनर। वैसे मुझे जरूरत तो नहीं है एक स्पाइडर के फार्म को बनाने की, लेकिन कभी गाइज फ्यूचर में स्ट्रिंग की जरूरत पड़ी ना स्ट्रिंग की, तो गाइज मैंने से फार्म बना दूंगा एक स्पाइडर का। फिलहाल तो मुझे अपने दूसरे वाले फार्म पर फोकस करना है, एक्सोलोटल फार्म पर। गई वो ना फार्म नहीं होगा, बस मुझे एक्सोलोटल कलेक्ट करनी है, और उनके लिए ना एक वाटर पाउंड बना दूंगा, मतलब वाटर का स्विमिंग पूल, मतलब जो भी कुछ होता है ऐसा ही बना दूंगा एक। बस एक बार एक्सोलोटल मिल तो जाए, एक्सोलोटल तो मिल नहीं रही अपने को, ये छोटी छोटी सी चिमकांडी सी मछलियां मिल रही है, कोई नहीं गई ये भी काम आएंगी एक्सोलोटल को ब्रीड कराने के लिए, इसलिए ना मैं इनको भी कलेक्ट कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा तो यही काम आने वाली है सुपर रेस्ट एक्सोलोटल को स्पॉन कराने में। वैसे वो स्पॉन तो होगी नहीं, इतना तो मुझको भी पता है, क्योंकि उसके ना स्पॉन होने के चांस इतने ज्यादा कम है, मैं आपको बताता हूँ 0.00000 गए जैसे ही करके कुछ है 0.12% है, फिर जीरो के बाद में कहीं जाकर। मतलब कि एक्सोलोटल्स को ब्रीड कराते कराते मेरे ना पोते भी हो जाएंगे, पर पोते भी हो जाएंगे, मतलब मैं दादा बन जाऊंगा। लेकिन गई रेयर ब्लू एक्सोलोटल स्पॉन नहीं होगी, इतनी ज्यादा रेयर होती है। मैंने एक बार कोशिश की थी, मैंने 7 दिन लगातार एक्सोलोटल्स को ब्रीड कराया, लेकिन गई वो स्पॉन नहीं हुई। तो अब मैं उम्मीद भी नहीं करता कि मुझको रेयर ब्लू एक्सोलोटल मिलेगी, बस मुझको बाकी 4 कलर की एक्सोलोटल मिल जाएंगे। जिधर कुछ ये माइनक्राफ्ट इधर खुल तो रही है बाहर किसी इलाके में, ये गई कुछ दूसरी दुनिया सी लग रही है मुझको तो देखने में। इधर हमको क्या मिल सकता है, मुझे नहीं लगता कि इधर से हमको बाबा जी का टुल्लू भी मिलेगा। और यार एक तो चारों तरफ ना ये माइनक्राफ्ट है, इसकी जात का वैदा मारू यार। मैं ना लस्केव फाइंड करने आया था, लेकिन इस माइनक्राफ्ट ने ना मेरा दिमाग चाट लिया, चारों तरफ फैली हुई है इसने ना। अरे डायमंड मिल गए यार फिर से, चलो डायमंड मिल जाते हैं तो मेरा दिमाग शांत हो जाता है, वरना इस माइनक्राफ्ट के अंदर मैं आग लगा देता। फिर भी यार आप खुद ही देख लो, पूरी ना लस्केव की ऐसी तैसी कर रखी है इस माइनक्राफ्ट ने, ससुरी कहाँ से आ गई इधर। माइनक्राफ्ट ना बहुत बकवास स्ट्रक्चर है माइनक्राफ्ट का, कुछ मिलता जुलता तो है नहीं इसके अंदर से, दिमाग और चटकता है इसके अंदर डोलने में बिल्कुल
गलत बात है, एकदम फालतू की चीज़ हो गई जी। देखो इधर ये नाजिम डोल रहा है, नाजिम मतलब नाजिम तो ये हो गया, इसके पीछे वसीम और आलिया, और गई जो पीछे देखो जैन भी खड़ा है। ये तीनों यूट्यूबर पता नहीं आज इधर क्या कर रहे हैं मेरे बल्ड में। राउंड टू के बंदे आज हेल से मेरे बल्ड में आ गई है। इनमें से दो को तो मैंने टपका दिया, एक को छोड़ दिया क्योंकि वो मेरा फेवरेट था। चलो ये सब छोड़ो, लेकिन ये एक्सोलोटल आज पता नहीं कहाँ मर गई लस्केव के अंदर से। एक तो यार ये लस्केव भी समझ में नहीं आ रही है, लस्केव पता नहीं क्या फजीता सा बना रखा है। ये देखो यार किधर भी जाओ मतलब वो वाटर पूल तो मिल ही नहीं रही है। गई जी इधर ना किले के अंदर ही होता था वाटर, लेकिन इधर है ही नहीं। और जब इस किले के अंदर वाटर है ही नहीं तो इसका इधर क्या काम, इसको भी इधर से तोड़ो, ये बिना फालतू की चीज है तो इसको मैं इधर से तोड़ लेता हूँ। वैसे किले का मैं करूंगा क्या, मेरे पास मतलब किले से हम जो ब्रिक्स बनाते हैं तो ब्रिक्स मेरे पास ऑलरेडी है, मैं बिलेजर से ले लेता हूँ। बाकी किले से टेराकोटा बन जाता है, टेराकोटा भी मैं ऑलरेडी ले आया हूँ टेराकोटा के बायोम से। तो मैं ये किले को ना वैसे ही कलेक्ट कर रहा हूँ, शायद ये किले भी हमारे कभी ना कभी काम आ जाएगी। काम पता है कैसे आएगी, इसको ना रद्दी में बेच दूंगा कौड़ियों के भाव से, ट्रेडिंग में काम आ जाएगी अपने। चलो यार किले ना काफी रहेगी, अभी बस मुझको वाटर वाले पूल फाइंड करने यार। मिल जाए एक्सोलोटल तेरी मैया का सैया मारू, पता नहीं कहाँ मर गई इसकी तो यार, घना ही नखरा हो गया, पता नहीं कहाँ मर गई आज। और ये पीछे से किसने अटैक किया, इधर से ना निकल लेता हूँ, इधर शायद कोई भूत प्रेत रहता है, पीछे से कोई अटैक कर रहा है, इधर से चलने में ही फायदा रहेगा। वैसे आज ना मैं केव के अंदर भी उड़ के देख लेता हूँ, मैंने नेदर के अंदर तो उड़ के देख लिया, आज केव के अंदर भी इलाइट्रा से उड़कर देखता हूँ, इससे हम लेवल 3 के प्रो बन जाएंगे। लेकिन यार ये लस्केव मुझे लगता है इधर ना खत्म हो रही है, इधर ना लस्केव का एंड है यार, और इधर ना हाँ आगे भी नहीं है। और इतने में भी यार मुझको लस्केव के वाटर वाले पूल नहीं मिले यार, लस्केव ना इधर से मुझे लगता है कहीं ना और है, मुझको ना उसको फाइंड करना पड़ेगा। मैंने ना इतनी फालतू की लस्केव पहली बार देखी, अगर मुझे इधर से एक्सोलोटल नहीं मिली ना इसके अंदर ना आग लगा दूंगा। फिलहाल तो मैं ना अभी वहीं पर चलता हूँ जहाँ पर माइनक्राफ्ट के अंदर मैंने वो वाटर वाले पूल देखे थे ना, शायद उन्हीं के अंदर एक्सोलोटल स्पॉन हो जाए, क्योंकि यार और तो कोई वाटर पूल मिल नहीं रहा जो खुले में हो लस्केव के। क्योंकि यार एक्सोलोटल को स्पॉन कराने के लिए ना कुछ ना चीज़ें मैटर करती हैं। एक तो गई वो ना किले ब्लॉक के ऊपर स्पॉन होती हैं जिसके ऊपर पानी हो, और वो हर 5-6 मिनट में स्पॉन होती रहती हैं। लेकिन यार इधर ना एक भी स्पॉन नहीं हो रही, ये बिना फालतू की चीजें तो स्क्वाड वगैरह स्पॉन हो रही हैं, लेकिन यार एक्सोलोटल स्पॉन नहीं हो रही। मुझे ना इसी पानी के पास ना भी एएफके करना पड़ेगा। देखो यार ये ट्रॉपिकल फिश भी स्पॉन हो रही है, लेकिन एक्सोलोटल पता नहीं क्यों नहीं हो रही। इतने में यार हो जाती है, मैंने ना काफी बार लस्केव को एक्सप्लोर किया है, 2-3 मिनट बाद ना हर 2-3 मिनट बाद एक्सोलोटल स्पॉन होती रहती है। लेकिन अभी तो मैं इधर इतनी देर से घूम रहा हूँ, इधर तो एक्सोलोटल की आत्मा तक नहीं भटकी है। यहाँ से ना कहीं दूसरी जगह पर ही चलता हूँ, यहाँ पर ना काम नहीं बनेगा अपना, यहाँ से ना किसी पाताल लोक। अरे मकड़ी कीड़े मेरे पे अटैक कर रही है गई, जिसकी तो अब खैर नहीं। वैसे ये कीड़ा नहीं कीड़ी है ना, कीड़ी है ये तो, मकड़ी हुई ना तो ये कीड़ी हो गई। वैसे यार मैंने एक बात सुनी है, मकड़ी जिसको काट लेती है वो स्पाइडरमैन बन जाता है, मैं भी इससे कटवा लूँ क्या? नहीं रहने देता हूँ, ये सब ना इलॉजिकल बातें हैं, इसके काटने से ना बीमार और पड़ जाएंगे गई, स्पाइडरमैन तो बनने से रहे खैर हम। वैसे आप लोग ना भी ये सोच रहे होगे कि मैं इधर टॉर्च क्यों बिछा रहा हूँ, तो सोचते रहो मुझे क्या, मेरा तो काम है टॉर्च बिछाने का, मैं तो इसलिए बिछा रहा हूँ। चलो बता देता हूँ गई, ये जो लस्केव है ना इसके अंदर वाटर वाले वो पूल से है गई, तो इधर ना एक्सोलोटल स्पॉन हो सकती है। और गई मैं नहीं चाहता अभी इधर कोई दूसरा अदर मॉब स्पॉन हो जाए, वैसे तो मेरे पास नाइट विजन है, लेकिन गई मुझे ना भी काफी देर इधर वेट करना पड़ेगा, तो गई मैं ना इधर टॉर्च बिछा रहा हूँ जिससे एक्सोलोटल स्पॉन हो जाए। ये देखो इधर ना ये वाटर के छोटे छोटे से पूल है गई, इन्हीं के अंदर एक्सोलोटल स्पॉन होती है और ट्रॉपिकल फिश भी। अभी ना गई मैं इधर ये एएफके करने वाला हूँ, गई 5-6 मिनट में तो एक्सोलोटल स्पॉन हो ही जाएगी अभी इधर पक्का, इसलिए मैं इधर ना सबसे पहले टॉर्च बिछा देता हूँ। और अगर अब इसके बाद भी इधर एक्सोलोटल स्पॉन नहीं हुई फिर तो गई जिनकी ना मैं खाल में भुस भर दूंगा, इनको गई जितनी शर्म नहीं है कि ये बंदा इधर इतनी देर से मूंड मार रहा है, इसको एक दो एक्सोलोटल ही दे दें। चलो एक्सोलोटल नहीं देनी तो एलेक्स ही दे दो, एलेक्स एक्सोलोटल सेम सेम ही है गई, एक ही चीज हो जाएगी। माइनक्राफ्ट वालों से अब मेरी यही डिमांड है, या तो एक्सोलोटल दे दो या एलेक्स दे दो, दोनों में से एक चीज तो चाहिए पक्का। मैं तो बोलता हूँ एक्सोलोटल जाए भाड़ में, मुझे ना वो ओ गई मुझे लगा कि इधर ना ये गोल्ड वाली एक्सोलोटल है, पर ये तो टोपी वाला चच्चा निकला यार, इसने ना अभी डिस्ट्रैक्ट कर दिया, मुझे लगा एक्सोलोटल इधर स्पॉन हो गई। ये नशेड़ी से जॉम्बी किधर भी स्पॉन हो जाते हैं, पता नहीं कौन सी भांग चरस फूक के रहते हैं। वैसे भांग चरस तो जॉम्बी को मुश्किल ही मिलती होगी, ये ना बीडी पीते होंगे, भांग चरस तो वो स्केलेटन पीता होगा, तभी तो उसके अंदर जान नहीं बची, हड्डियों का ढांचा ही बचा है बिल्कुल। तभी तो बोलते हैं धूम्रपान और प्यार मोहब्बत स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, दोनों से शरीर में जान नहीं बचती, दोनों ही जानलेवा है कि नहीं बताओ गई? ऐसा ही है ना जैसे मैं बोल रहा हूँ, वैसे गई बाद में बताना। अभी ना गई मैंने इस पूरी लस्केव के
ऊपर ना टॉर्च बिछा दी है। अभी बस इसके अंदर ना एक्सोलोटल स्पॉन हो जाए और गाइज मैं उनको कलेक्ट कर ना इधर से निकलता बनूं। वैसे एक्सोलोटल इतनी ज्यादा रेयर भी नहीं होती कि स्पॉन ही ना हो। आज तो ये बिल्कुल भाव ही खा रही है, स्पॉन ही नहीं होके दे रही। गाइज आज ना इनको लड़कियों की आदत लग गई है, बिल्कुल भाव ही खा के मानेंगी। कोई नहीं, मैं तो ट्रॉपिकल फिश कलेक्ट कर लूंगा, एक्सोलोटल स्पॉन नहीं होंगी। ट्रॉपिकल फिश भी गाइज मस्त लगती है वैसे देखने में, रंग बिरंगी सी मछलियां होती हैं और गाइज काफी ना मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर की, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है ट्रॉपिकल फिश। पर एक्सोलोटल ना इनको खा जाती है, पता नहीं क्यों, इनकी ना आपस में बनती नहीं है एक्सोलोटल और ट्रॉपिकल फिश की। वैसे इसके पीछे भी एक कहानी है कि इन दोनों की आपस में क्यों नहीं बनती। ये कहानी ना माइनक्राफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी है, मैंने उधर से ही पढ़ी थी कि एक्सोलोटल और ट्रॉपिकल फिश की आपस में क्यों नहीं बनती। मैं आपको बताता हूँ, देखो गाइज ये जो एक्सोलोटल होती है और ट्रॉपिकल फिश होती है, ये गाइज देखने में खूबसूरत होती है, लड़कियों के प्रजाति की तो है ये दोनों। अब ना इन दोनों में कॉम्पिटिशन रहता है कि कौन ज्यादा ब्यूटीफुल है। वैसे एक्सोलोटल ज्यादा ब्यूटीफुल है या ट्रॉपिकल फिश ज्यादा ब्यूटीफुल है, ये ना आप बताना। मुझे तो लगता है इन दोनों में से एलेक्स ज्यादा ब्यूटीफुल है। वैसे एलेक्स को कभी मैंने देखा नहीं है, कैसी है, भुंडी शकल की या मलूक सी छोरी है। मैं तो गई बस उसके बारे में मैंने सुना था, तभी से गई मैं मतलब सोचने लगा हूँ उसके बारे में। और यार उसके बारे में ना बाद में सोचेंगे, अभी मुझे बस ये समझ में नहीं आ रहा। ट्रॉपिकल फिश तो बैक टू बैक स्पॉन हो रही है, लेकिन एक्सोलोटल पता नहीं क्यों स्पॉन नहीं हो रही। एक्सोलोटल और ट्रॉपिकल फिश भी ना एक साथ स्पॉन हो जाती है, लेकिन यार इधर भी किसी भी पूल के अंदर एक्सोलोटल स्पॉन ही नहीं हो रही। बस इधर ना एक बार एक्सोलोटल स्पॉन हो जाए सारे कलर की, मतलब पांच कलर की तो होती है, जिनमें से एक को हम खुद ही स्पॉन कराते हैं जो सुपर रेयर ब्लू वाली होती है। बाकी जो गोल्ड होती है और वो मेहरूम कलर की होती है, आसमानी कलर की होती है और एक होती है गुलाबी। मतलब ये चारों टाइप की अगर एक्सोलोटल इधर से मुझको मिल जाए ना, फिर गाइज मुझको कुछ नहीं चाहिए, मैं गाइज उनको लेकर ना चलता बनूंगा। बस एक बार कैसे ही मेरे हाथ में पड़ जाए वो चारों, फिर तो उन्हीं एक्सोलोटल को आपस में ब्रीड करा करा कर इतनी एक्सोलोटल कर दूंगा कि मेरा ना एक मछली का बाजार खुल जाएगा। और गाइज एक्सोलोटल को ना मुझे ना हद से ज्यादा ब्रीड करना पड़ेगा अगर मुझे वो रेयर वाली ब्लू एक्सोलोटल चाहिए। आप सोच भी नहीं सकते कितना ब्रीडिंग कराना पड़ेगा, मतलब इतने कम चांस है ना ब्लू एक्सोलोटल के, मतलब 0% तो कोई चांस भी नहीं होते, लेकिन गाइस 0 से भी 0.0% चांस है ब्लू एक्सोलोटल को स्पॉन कराने के। मतलब कि गाइस ये सोच लो कि वो स्पॉन ही नहीं होगी कभी भी, कोई बहुत ज्यादा लक्की बंदा ही होगा जिसकी नेचुरल ब्लू एक्सोलोटल स्पॉन हो जाए। गाइस मैं ना सच बताऊं, मैंने एक बार ही ब्लू एक्सोलोटल को स्पॉन कराने का ट्राई किया था और गाइस मैंने ना लगातार 7-8 दिन ना एक्सोलोटल को आपस में ब्रीड कराया था। मैंने गाइस कम से कम 1000-2000 एक्सोलोटल ब्रीड कराई और गाइस उनको मार दिया, क्योंकि कम से कम 2-3 हज़ार एक्सोलोटल में से एक भी ब्लू एक्सोलोटल स्पॉन नहीं हुई, इतनी ज़्यादा रेयर होती है ना गाइज। उसी दिन से मैंने सोच लिया था कि गाइज थोड़ा बहुत तो इनको आपस में मैं ब्रीड करा दूंगा, लेकिन गाइज कभी भी ना ब्लू एक्सोलोटल की लूत नहीं पाड़ूंगा, वरना मेरे तो गाइज बच्चे भी बड़े हो जाएंगे और मैं इधर ब्लू एक्सोलोटल को स्पॉन ही कराता रहूंगा। इतनी बहुत ज़्यादा रेयर होती है, अभी आपको क्या ही बताऊँ। फिलहाल तो मुझको जितनी भी ये ट्रॉपिकल फिश मिल रही है ना गाइज, इनसे ना अपने सल्कर बॉक्स को भर लेता हूँ और इधर से 2-3 सल्कर बॉक्स तो इनके ट्रॉपिकल फिश के भरकर ले ही जाऊंगा। इसलिए तो मैं अपने साथ इतनी सारी बाल्टी लाया था। बाल्टी भी ना कमाल की चीज है गाइस, इसके अंदर दूध भर लो, पानी भर लो, मछली भी इसके अंदर आ जाती है। और गाइस जितना बड़ा बाल्टी का साइज होता है ना, उसके अंदर तो गाइस काफी सारे आइटम आ जाते हैं, लेकिन माइनक्राफ्ट में आते नहीं। जितने आइटम सल्कर बॉक्स के अंदर आते हैं उससे ज्यादा तो गाइस बाल्टी के अंदर आ जाएंगे। और अभी ना इधर फाइनली गाइस एक्सोलोटल स्पॉन हो चुकी है, एक साथ गाइस 2 एक्सोलोटल है, मतलब 2 कलर की तो अभी मेरे पास आ चुके हैं। एक तो ये हो गई पिंक वाली और गाइस जिसके अंदर हो गई, जिसके अंदर और भी है, इधर एक येलो भी है, नहीं गाइस दूसरी भी है, स्काई ब्लू भी है गई। अभी ना गाइस अपने पास मतलब 4 कलर की है गई, इनमें से ना 2 बच्चे हैं, लेकिन इनकी कोई टेंशन नहीं है, ये तो गाइस बड़े हो जाएंगे। अभी ना गाइस अपने पास चलो 4 कलर की एक्सोलोटल आ चुकी है, अभी अपने को कोई टेंशन नहीं है। अभी गाइस मैं ना थोड़ी बहुत एक्सोलोटल और देख लेता हूँ, क्योंकि एक साथ ना 7-8 एक्सोलोटल तो स्पॉन होती ही है। वैसे देखो गोल्ड वाली एक्सोलोटल हो गई और ये हो गई अपनी एक कैन वाली भी हो गई, ब्राउन वाली भी हो गई और दूसरी भी हो गई, मतलब 4 कलर की हो चुकी है। अभी गाइस मुझको कुछ नहीं करना, अभी तो एक्सोलोटल आ चुके हैं। इधर से गाइज मुझको कम से कम 1 सल्कर बॉक्स भर के और ट्रॉपिकल फिश कलेक्ट करनी है, फिर गाइज मैं चलता हूँ इधर से। काफी टाइम हो गया लस्केव के अंदर और अभी तो आगे का काम भी करना है। अभी मुझको जो जो मिलता जाएगा मैं उसको बाल्टी में भरता जाऊंगा।
तो ठीक है गाइज, अभी ना मैं अपने बेस के ऊपर वापस आ चुका हूँ और देखो इतनी सारी लूट मैं लस केव के अंदर से कर कर लाया हूँ। मतलब कुछ ज़्यादा मेन तो नहीं है, 2-3 सल्कर बॉक्स, ये ट्रॉपिकल फिश के हैं और ये 5-6 गाइज एक्सोलोटल है। अभी गाइज इनसे ना मुझको बस एक एक्सोलोटल फार्म बनाना है। वैसे तो एक्सोलोटल का कोई फार्म वगैरह नहीं होता, बस हमको एक्सोलोटल के लिए एक वाटर पूल बना देना है जिसके अंदर से हम एक्सोलोटल को ब्रीड करा सके और गाइज आगे चलकर कभी ना कभी हमारी रेयर ब्लू एक्सोलोटल स्पॉन हो जाए, बस इतना ही है। और आपके माइंड में जो भी वाटर पूल टाइप का डिजाइन हो ना, आप उसको बना सकते हो। बस गाइज आपको ना उसके अंदर पानी छोड़ना है और एक्सोलोटल छोड़नी है, बस गाइज बन जाएगा एक्सोलोटल का फार्म। मेरे माइंड में ना ऑलरेडी एक जो है डिजाइन हैगा एक्सोलोटल के लिए, मैंने पहले भी उसको बनाया था अपने पुराने सर्वाइवल वर्ल्ड में और अभी भी ना मैं गाइज उसी वाले डिजाइन को बनाऊंगा। वो गाइज कुछ ईजी सा भी पड़ जाता है और गाइज उसके अंदर ना कुछ अच्छा सा लगता है, सर्कल टाइप होता है ना, और उसको ना मैं व्हाइट कॉन्क्रीट से बनाऊंगा क्योंकि अगर वाटर पूल व्हाइट कलर का होगा तो स्विमिंग पूल वाली लुक आएगी। और गाइज व्हाइट कंक्रीट बनाने के लिए मुझको चाहिए ग्रेवल और गाइज ये चाहिए कुछ सैंड चाहिए और व्हाइट चाहिए डाई। तो डाई तो मेरे पास है नहीं गाइज, इधर इतनी नहीं है तो मैं बना लेता हूँ, कोई बात नहीं, बोन मिल है अपने पास ढेर सारा। व्हाइट कंक्रीट अच्छा लगता है इसीलिए मैं व्हाइट कंक्रीट यूज कर रहा हूँ। वैसे तो मैं स्मूथ क्वार्ट्ज भी यूज कर सकता हूँ और टेराकोटा भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन गाइज उनसे ना वो बात नहीं पड़ेगी। व्हाइट कंक्रीट ना मस्त लगता है, आपस में ना जुड़ जाते हैं इसके ब्लॉक, इसीलिए मैं कंक्रीट यूज करूंगा। उम्मीद से ज़्यादा ही कंक्रीट पाउडर बन गया और गई जिस कंक्रीट पाउडर को ना मुझे कंक्रीट बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं गई जिसको ओशियन में तो लगाऊंगा ही और उधर पानी होता है तो ये ऑटोमेटिकली कंक्रीट बन जाएगा, पाउडर से हमको कंक्रीट बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी चलो अपने एक्सोलोटल के फार्म को बनाने के लिए एक जगह ढूंढ लेते हैं। एक्सोलोटल फार्म में तो गई जाहिर सी बात है मैं इसको ओशियन के अंदर ही बनाऊंगा और गई मैं सोच रहा हूँ कि इसको ना अपने इस ट्राइडेंट फार्म के पीछे बना दूँ, इधर अच्छा लगेगा रहेगा। वैसे अभी इस एक्सोलोटल फार्म को बनाने के बाद ना अपना गेम काफी ज्यादा लैग होने वाला है क्योंकि एक्सोलोटल ना गेम को काफी ज्यादा लैग करा देती हैं। फिर भी कोई नहीं यार, काम तो हमको करना ही पड़ेगा अपने वर्ल्ड के अंदर। अब जो चीज दी हुई है माइनक्राफ्ट ने गाइस उनका तो यूज करना ही पड़ेगा, वरना इनका कोई मतलब ही नहीं रहेगा गेम के अंदर होने का। चलो छोड़ो गाइस लैग को देखेंगे, फिलहाल तो एक्सोलोटल फार्म बना लूं। इसी ट्राइडेंट फार्म के वैसे तो मैं नीचे बनाने वाला था लेकिन इधर ना अंधेरा हुआ पड़ा है ट्राइडेंट फार्म की वजह से, इसके गाइज थोड़ी सी बाजू में चलकर बनाता हूँ और गाइज मैं सोच रहा हूँ कि शिपरेक के आगे बना दूँ, मतलब इसके हाँ गाइज इधर ही अच्छा रहेगा, अपने बेस से ज़्यादा दूर भी नहीं होगा और गाइज इधर ही अच्छा रहेगा क्योंकि अभी ना इन एक्सोलोटल्स को मुझे बार बार ब्रीड कराने के लिए आना पड़ेगा ना उस ब्लू एक्सोलोटल के चक्कर में। तो गाइज इसको ना जितनी पास बनाऊंगा उतना अच्छा रहेगा, तो इसको ना इधर ही बना डालता हूँ वाटर के सरफेस पे। और गाइज ये कोई फार्म नहीं है, बस एक पूल सा है वाटर पूल जिसको मैं सर्कल टाइप में बनाऊंगा। अगर गाइज आपको माइनक्राफ्ट के अंदर सर्कल बनाने आते हैं तो गाइज आप भी इसको बड़ी आसानी से बना सकते हो, वरना तो आप गाइज चौखंटा या गाइज वृत्ताकार कैसा भी बना सकते हो। इसको मैं कैसे बनाता हूँ अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मिडल में मैंने एक लाइट लगा दी, अभी इसके चारों तरफ ना मैं ये 12-13 गाइज 12 काफ़ी रहेंगे क्योंकि फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा फार्म हमको चाहिए भी नहीं। तो इसके चारों तरफ ना मैं 12-12 ब्लॉक लगा देता हूँ कॉन्क्रीट के, जैसे कि एक तरफ इधर मैंने लगा दी, अभी इसी तरीके से चारों तरफ ना ये कंक्रीट के 12-12 ब्लॉक मुझको चारों तरफ लगाने हैं। और गाइज मैंने ना बोला था कंक्रीट का जो पाउडर है ऑटोमेटिकली कंक्रीट बन जाएगा, देखो अपने आप मुझको इस पाउडर को ना कंक्रीट बनाने की ना जरूरत नहीं पड़ी, इधर ये फायदा हो गया, वरना तो अभी इनके लिए एक कॉन्क्रीट मेकर बनाना पड़ता, बिना फालतू में टाइम जाता, वैसे ही लस केव के अंदर से इतना टाइम वेस्ट हो चुका है। देखो गाइज अभी ना मुझको क्या करना है, इनको ना आपस में मिलाकर जिग जैग स्टाइल में मिलाना है दोनों कोनों को और गाइज इधर ना एक सर्कल बना लेना है। सर्कल बनाना कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, जैसे कि गाइज मैंने इस वाले कोने में लगाई 3 ब्लॉक, अभी गाइज इनके आगे ना मुझको जिग जैग स्टाइल में दो दो इस तरीके से लगा देने, मतलब आप 2-3-4 कितने भी लगा सकते हो, बस आपकी मर्जी होनी चाहिए। अभी गाइज जिस तरीके से मैं इस वाली साइड लगा रहा हूँ ना, उसी सेम पैटर्न पर मुझे दूसरी वाली साइड से जिग जैग स्टाइल में ये ब्लॉक लगाने हैं, मतलब इधर मैंने अगर 2 लगाई तो दूसरी वाली साइड भी 2 ही, इधर मैंने 3 लगाई तो दूसरी साइड भी 3 ही, और इन ब्लॉक्स को इसी तरीके से कम करते हुए ले आना है, बाद में ये आपस में मिलकर खुद ब खुद सर्कल बना देंगे। देखा गाइज बन गया ना सर्कल एक वाली साइड, पहले मैंने 3 ब्लॉक लगाए थे फिर 2 फिर 1 और गाइज ऑटोमेटिकली सर्कल बन गया। इसी तरीके से आप भी बना सकते हो, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट काम ही नहीं है। अभी गाइज इसी तरीके से मुझको चारों तरफ ये ब्लॉक्स मिलाने हैं और गाइज इनको
आपस में फिल कर देना है और एक सर्कल में प्लेटफॉर्म बना लेना है। सर्कल में मतलब कि गई गोलाकार, मैं सलकर नहीं बोल रहा, सर्कल बोल रहा हूँ, जिसको हिंदी में गोला कहते हैं। गोला और नारियल तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, आपने तो खाए भी होंगे। क्या बोला, नहीं खाए? अरे मैं मंगाता हूँ, चलो आपके लिए साउथ से मंगाऊंगा, बिल्कुल ताज़ी ताज़ी एकदम नारियल। साउथ में मेरा एक अयो अम्मा दोस्त रहता है, उसके ना नारियल के बाग है, उससे मंगा लूँगा। बस अभी तो एक कॉन्क्रीट में पता नहीं क्या भूत घुस गया, लग ही नहीं रहा। अभी ना मुझको कॉन्क्रीट ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि इधर से ना वाटर हट चुका है, तो जो कॉन्क्रीट पाउडर है ना वो नीचे की तरफ खिसक जाता है। मुझको इधर से कॉन्क्रीट ही लगाना पड़ेगा, तभी जो ये गड्ढा बंद हो पाएगा। और अभी इसी के साथ अपने सर्कल का एक प्लेटफॉर्म तो बन चुका है। अभी गई इसी तरीके से मुझको बाकी के तीन बना देने हैं। मैं गई कैसे बना रहा हूँ आपको दिखाता हूँ। पहले गई मैंने जिग जैक स्टाइल में तीन ब्लॉक लगाए, उसके आगे दो ब्लॉक लगाए। अभी गई उसके आगे मैंने फिर से दो ब्लॉक लगा दिए। अभी ये सेम पैटर्न मुझको दूसरी साइड से दोहराना है। जिस तरीके से ब्लॉक मैंने उधर लगाए, तो उसी तरीके से इधर पहले तीन ब्लॉक लगा दिए, इसके आगे मुझको फिर से दो ब्लॉक लगाने, और गई जिसके आगे फिर से दो ब्लॉक, और फिर गई ये आपस में नज़दीक आ जाएंगे, तो गई जिनको एक एक ब्लॉक लगाकर मुझको मिला देना है। और ले बस बन गई अपनी सर्कल की एक साइड। इतनी बड़ी बात नहीं है, तनक सी बात है गई, बिल्कुल तनक सी, छोटी सी। और इस प्लेटफॉर्म को कंप्लीट करने के बाद अभी गई मैं इसके चारों तरफ ना ये बॉर्डर बना देता हूँ स्लैब से, और क्वार्ट्ज स्मूथ क्वार्ट्ज की स्लैब लगा रहा हूँ, क्योंकि ये कंक्रीट की तो हम स्लैब से बना नहीं सकते, इसलिए मैं स्मूथ क्वार्ट्ज की स्लैब लगा रहा हूँ। ये लगानी भी ना जरूरी है मुझको, ना इस वाटर पूल को चारों तरफ से ना बॉर्डर बनाकर कवर करना पड़ेगा, जिससे इसके अंदर की जो एक्सोलॉटल होंगी ना वो फार्म से बाहर ना कूद जाए, वरना गई अपनी सारी जो एक्सोलॉटल है ना वो ओशियन के अंदर छलांग मार देंगे और फार्म के अंदर कुछ भी नहीं बचेगा। और फिर मैं तो बस यही कहता रह जाऊंगा कि कहाँ गया, उसे ढूंढो। और गई जहाँ मुझको ना आप सब एक बात बताना कि अभी नेक्स्ट मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि गई मैंने ऑलमोस्ट अभी सब कुछ तो एक्सप्लोर कर लिया अपने वर्ल्ड के अंदर, और गई जितने फार्म्स की मुझे ज़रूरत थी मैंने वो सभी फार्म्स भी बना लिए। अभी गई मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं नेक्स्ट अपने इस वर्ल्ड में क्या करूँ। अगर आपके पास कोई मस्त सा आइडिया हो जिसको करने में मज़ा आए तो बता देना गई, मैं चेक कर लूँगा और उसको कर डालूँगा अगर वो अच्छी चीज़ हुई तो। बाकी तो गई अपनी नेदरराइट की माइनिंग है ही, अपना नेदरराइट का बीकन का चैलेंज भी रुका पड़ा है, गई अपनी नेदरराइट की माइनिंग ही करेंगे फिर तो, क्योंकि अभी कोई ऐसा इंपॉर्टेंट फार्म तो है नहीं जिसकी मुझे जरूरत हो। बाकी गई मैं सोच रहा था कि अपने लिए ना एक सैंड ड्यूपर भी बना लेता हूँ, क्योंकि टीएनटी बनाने के लिए सैंड काफी ज्यादा लग जाती है, तो मुझे बार बार डेजर्ट बायोम में जाकर लानी पड़ेगी, इससे अच्छा मैं एक सैंड ड्यूपर बना लूँ। लेकिन उसमें भी ना एक प्रॉब्लम है, सैंड ड्यूपर बनाने के लिए हमको लगता है गई एंड सिटी का गेट, और गई एंड सिटी का गेट ना मैंने ऑलरेडी बीदर किलर बनाने के लिए तोड़ दिया। तो गई अपना मुझको ये बताना, अगर कि मैं एंडर ड्रैगन को रिस्पॉन करके अगर फिर से मार देता हूँ तो क्या कोई दूसरा एंड सिटी का गेट ओपन हो जाएगा या नहीं, वरना तो एंड सिटी के गेट के बिना हम सैंड ड्यूपर नहीं बना पाएंगे। चलो ये सब ना आप मुझको बता देना, फिलहाल तो ये देख लो। अभी ना मैंने इस अपने एक्सोलॉटल फार्म के ऊपर ना चेरी की बुड लगा दी है, जिससे गई मैं इसके चारों तरफ ना फेंस गेट लगा सकूँ, क्योंकि गई बिना फेंस लगाए तो गई एक्सोलॉटल फार्म से बाहर भाग जाएंगी। जैसे एक नखरेलो बीवी होती है ना, बिना बात के अपने मायके भाग जाती है, उसी तरीके से ये एक्सोलॉटल होती हैं, बिना कुछ बात के गई इधर फार्म से बाहर भाग जाएंगी। भागने के नाम पर तो नंबर वन पर हैं ये, लेकिन ये ना ओलंपिक में नहीं भाग सकती, अगर ओलंपिक में भाग ले तो देश के लिए मेडल ना ले आई। काम ना वो करना चाहिए जिससे फ़ायदा हो, अपना भी फायदा हो देश का भी फायदा हो, इसलिए ना देश के लिए भागना चाहिए ओलंपिक में, ऐसे भागने से कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, इसलिए फ़ायदे के लिए काम करो जिससे फ़ायदा हो जाए। वैसे यार इन बातों को छोड़ो, अभी ना आप ये बताओ कि अपना ये जो एक्सोलॉटल का फार्म है वो कैसा लग रहा है, क्योंकि यार मैंने ना चेरी की बुड यूज करी है और ऊपर से वाइट कॉन्क्रीट यूज करा है, तो गई अच्छा ही लगना चाहिए। वैसे मुझको कैसा लग रहा है आप बताना मुझको, तो गई ठीक ही ठाक लग रहा है। वैसे अभी ना मैं इसको सिर्फ नॉर्मली बना रहा हूँ, अभी मेरा फोकस जो है ना ब्लू एक्सोलॉटल को स्पॉन कराने में है। इसको गई मैं बाद में डिजाइन करूंगा, अगर इसके अंदर ब्लू एक्सोलॉटल स्पॉन हो गई तो गई जिसको मस्त तरीके से बनाऊंगा एकदम, वरना तो इस फार्म से हमको कुछ फायदा भी नहीं है, इससे हमको घंटा भी कुछ नहीं मिलने वाला। ये बस गई ये दिखाने के लिए होगा कि इस फार्म के अंदर हमारी एक्सोलॉटल पड़ी है। तो गई अभी ये बनकर रेडी हो चुका है, मैं ना आपको ऊपर से एक बार इसको दिखाता हूँ कि ये कैसा लगता है। तो देखो गई अभी ये अपना फार्म, अभी तो बस अजीब सा ही लग रहा है, पता नहीं क्या ही बना दिया। बस इसके अंदर ना मैं एक्सोलॉटल को अभी छोड़ देता हूँ और ब्रीड कराता हूँ, बाकी गई फार्म को ना बाद में देखेंगे, इसके अंदर डेकोरेशन वगैरह बाद में ही करूँगा। इसके अंदर भी अभी तो मुझको गई मैं सोच रहा हूँ कि सीपिकल और ओशियन के ब्लॉक्स वगैरह लगा दूंगा, जिससे इसकी बेहतरीन सी लुक आए। अभी तो बस मेरा फोकस है एक्सोलॉटल को इधर छोड़ने में, और इधर बस एक ब्लू एक्सोलॉटल स्पॉन हो जाए कैसे भी कैसे करके। अभी इन चारों कलर की एक्सोलॉटल को इधर ही छोड़ देता हूँ, और मुझको ना इस वाटर पूल के अंदर पानी भरने की जरूरत नहीं है, मैं जैसे ही इधर
के अंदर एक्सोलोटल को छोड़ूंगा और ट्रॉपिकल फिश को इनको खिलाऊंगा ना, तो गाइज ऑटोमेटिकली इसके अंदर पानी बढ़ता जाएगा। और देखो मैंने बोला था ना एक्सोलोटल अपने गेम को लैग करा देंगी, अभी जैसे ही मैंने इनको स्पॉन कराया ना तो अपना गेम ना धीरे धीरे लैग होना भी स्टार्ट हो चुका है। और अभी तो जैसे जैसे मैं इनको आपस में ब्रीड कराता जाऊंगा इनकी संख्या बढ़ती जाएगी, तो गाइज गेम और ज़्यादा लैग होगा। अभी तो बस गाइज इनको ब्रीड ही कराना है। और गाइज अभी ना मैं स्टार्टिंग में तो सभी कलर की एक्सोलोटल को ब्रीड करा रहा हूँ, बाकी ना गाइज बाद में ना जब इनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी ना तो बस एक ही कलर की एक्सोलोटल को एक तरफ कर दूंगा और उनको ये आपस में ब्रीड कराऊंगा, जिससे जब भी ब्लू एक्सोलोटल स्पॉन होगी ना वो अलग ही कलर की होगी, तो वो हमको ना दूर से ही दिख जाएगी। अभी तो गाइज इन सबकी एक्सोलोटल के कलर ना आपस में मिक्स हो रही हैं, और ऊपर से इन एक्सोलोटल के अंदर ये स्काई ब्लू कलर की एक्सोलोटल भी है ना, तो इससे पता नहीं चलता कि ब्लू एक्सोलोटल है, मतलब उसका ना कलर सेम सेम सा हो जाता है। और अभी इन एक्सोलोटल में एक कलर मिसिंग है शायद, अभी ये गोल्ड वाला जो होता है ना येलो वाला एक्सोलोटल, वो गई जी इनमें है नहीं, ये हो गई जी रही, हाँ मिल गई। मैं भी तो बोलूँ यार येलो वाली एक्सोलोटल नहीं दिख रही अपनी पूल के अंदर, ये है तो गई मेरे पास लेकिन बच्चा ही है इसका। चलो तो गई जब अपने पास एक्सोलोटल्स भी आ चुकी हैं चारों कलर की, और गई अपना एक्सोलोटल फार्म भी बन चुका है, हमने लस्केव को भी एक्सप्लोर कर लिया, तो मैं सोच रहा हूँ ना इस वाले एपिसोड को यहीं तक रहने देता हूँ। बाकी बात रही ब्लू एक्सोलोटल की, तो गई मुझको उम्मीद नहीं है कि वो स्पॉन हो जाए, वो काफ़ी ज़्यादा रेयर होती है गई, उसके चक्कर में ना अपनी रिकॉर्डिंग होती जाएगी और एक महीना हो जाएगा एक साल हो जाएगी पर वो स्पॉन नहीं होगी। बाकी मैं तो कोशिश करूंगा ही, मैं इतनी सारी ट्रॉपिकल फिश लाया हूँ इनसे इनको ब्रीड कराता रहूँगा, स्पॉन होगी तो ठीक है वरना वो अपने रास्ते हम अपने रास्ते। मैं डेली का डेली इन एक्सोलोटल्स को ब्रीड कराऊंगा, अगर आज एक्सोलोटल मतलब ब्लू एक्सोलोटल स्पॉन नहीं होगी तो कोई बात नहीं, कल होगी परसों होगी नहीं 10 दिन बाद होगी एक साल बाद होगी, डेली इनको ब्रीड कराएंगे और चेक करेंगे, कभी ना कभी तो अपने पास ब्लू एक्सोलोटल आएगी ही। बाकी तो गाइस इस वाले एपिसोड को आप लाइक कर दो, इतने मैं इनको ब्रीड करा रहा हूँ।